हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बी ट्रैवलर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कश्मीर के ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेसेस, फेमस फूड और आप यहां पर कैसे आ सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नंबर 7 है निगीन लेक। निगीन लेक डल लेक से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर एक ब्यूटीफुल लेक है, जिसे ज्वेल इन द रिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये लेक चारों तरफ से हरे भरे पेड़ों से घिरी हुई है, जो काफी ब्यूटीफुल लगती है। आप यहाँ पर शिकारा राइड, हाउस बोट के लिए भी आ सकते हैं, जो आपको काफी अलग एक्सपीरियंस देगी। आप इसके आसपास शिकारा राइड, फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट, बोट डाल, SPS म्यूजियम, आंचर लेक घूमने के लिए भी आ सकते हैं। नंबर 6 है सिंथन टॉप। ये कश्मीर के और प्लेसेस जितना फेमस तो नहीं, लेकिन ये आने वाले ईयर में कश्मीर की फेमस प्लेसेस की लिस्ट में टॉप पर जरूर होगा। यहाँ का 360 डिग्री व्यू आपको लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल मेमोरी दे सकता है। एंड अगर आप ट्रैकिंग, स्कीइंग और भी कई तरह के एडवेंचर्स करने के शौकीन हैं, तो आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। ये डकसुम से लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड है एंड आप यहाँ श्रीनगर से ओनली 5 घंटे में पहुंच सकते हैं। आप इसके आसपास मार्गन टॉप, फेम्बर वैली, बोटेनिकल गार्डन, कोकरनाक वाटरफॉल, आचाबल मुगल गार्डन घूमने के लिए भी आ सकते हैं। नंबर 5 है डल लेक। ये डल लेक श्रीनगर का गहना मानी जाती है। ये लेक ब्यूटीफुल ग्रीनी वैलीज के बीच में सिचुएटेड है। आप यहां शिकारा राइड, हाउस बोट एंड लेक की मार्केट का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो यहां टूरिस्ट का काफ़ी पसंद आती है। यहां हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं और ये इंडिया की वन ऑफ द फेमस लेक है। यहां आने का बेस्ट टाइम समर में होता है। आप इसके आसपास चश्मा शाही गार्डन, निषद गार्डन, शंकराचार्य हिल, हरी पर्वत, जबरवन पार्क घूमने के लिए भी जा सकते हैं। नंबर 4 है श्रीनगर। झेलम नदी के मार्ग पर सिचुएटेड श्रीनगर ब्यूटीफुल हिल स्टेशन होने के साथ साथ एक फेमस टूरिस्ट प्लेस भी है। इसे कश्मीर का हार्ट भी कहा जाता है। यहाँ आपको ब्यूटीफुल लेक्स, फेमस टेंपल एंड शॉपिंग के लिए मार्केट भी मिल जाएगी। यहाँ आप साल के किसी भी दिन आ सकते हैं। यहाँ पूरे साल टूरिस्ट आना पसंद करते हैं। आप इसके आसपास शालीमार बाग मुगल गार्डन, इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन, दचीगाम नेशनल पार्क, परी महल, शंकराचार्य टेम्पल घूमने के लिए भी जा सकते हैं। नंबर 3 है पहलगांव। पहलगांव कश्मीर का एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है, जो अपनी नेचर ब्यूटी से हर टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। आप यहां हरे भरे बागान, केसर के खेत, हरी घाटियां देख सकते हैं। आप यहां काफी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, जिसको करने के बाद आप यहाँ के एक्सपीरियंस को कभी नहीं भुला पाएंगे। आप यहाँ अरू वैली, बैताब वैली, लिडर रिवर, चंदनवाड़ी, वाईसरन घूमने के लिए भी जा सकते हैं। नंबर 2 है सोनमर्ग। ये कश्मीर का एक ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेस है, जो स्नो व्यूज, ग्लेशियर और शांत झीलों से घिरा हुआ है। सोनमर्ग श्रीनगर से ओनली 80 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड है। यहाँ की नेचर ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए हर साल यहाँ लाखों से भी ज़्यादा टूरिस्ट आना पसंद करते हैं। ये कश्मीर का सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस है। अगर आप अपनी लाइफ में एक बार भी यहाँ पर घूमने के लिए आए, तो यहाँ से ब्यूटीफुल मेमोरीज जरूर लेकर जाएंगे। आप इसके आसपास थजीवास ग्लेशियर, गंगाबाल लेक, गटसर लेक, बालटाल वैली, सतसरम पास घूमने के लिए भी जा सकते हैं। नंबर 1 है गुलमर्ग। गुलमर्ग हिल स्टेशन बारामूला डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जो काफी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है। कश्मीर में सबसे ज्यादा टूरिस्ट एडवेंचर्स के लिए इसी जगह पर आना पसंद करते हैं। यहाँ का व्यू, नेचर्स ब्यूटी, अट्रैक्टिव वैलीज आपको यहाँ बार बार आने पर मजबूर कर देगी। एंड अगर आप एडवेंचर्स के शौकीन हैं, तो आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। आप यहाँ ट्रैकिंग, केबल कार, स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग को इंजॉय कर सकते हैं। आप इसके आसपास अल्पथेर लेक, आउटर सर्कल वॉक, गुलमर्ग गोंडोला, निगले नल्ला, रानी टेम्पल घूमने के लिए भी आ सकते हैं। अब बात करें तो यहाँ पर आप कैसे आ सकते हैं। आप कश्मीर तीनों तरह से पहुँच सकते हैं, लाइक ट्रेन, एरोप्लेन एंड प्राइवेट कैब के थ्रू यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आप प्लेन के थ्रू यहाँ आना चाहते हैं, तो आपको श्रीनगर एयरपोर्ट सबसे ईजी रहेगा। एंड अगर आप ट्रेन के थ्रू यहाँ आना चाहते हैं, तो आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जम्मू तावी पड़ेगा। अगर बात करें यहाँ के फेमस फूड की, तो आपको यहाँ पर मटन रोगन जोश, योगर्ट लैम करी, पनीर चमन, कश्मीरी साग, कश्मीरी स्टाइल मटन रिब्स को ज़रूर टेस्ट करना चाहिए। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ताकि आने वाले टाइम में हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस ला सकें। थैंक यू सो मच।